वेलकम टू माय चैनल गर्भ गुरु में आपका स्वागत है। नाम से आपको पता चल जाएगा कि भाई इस चैनल में क्या क्या कंटेंट रहने वाला है। मेरी पहले चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, सपोर्ट किया और अभी अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर वाला माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है। तो उसी खुशी में मैंने दूसरी चैनल अनाउंसमेंट के लिए आपको बोला था कि भाई और एक चैनल आपके लिए बनाऊंगी। तो ये है गर्भ गुरु आप लोगों के लिए। हर लड़की के लाइफ में प्रेगनेंसी एक ड्रीम होता है, तो वो ड्रीम तो होता है लेकिन प्रेगनेंसी अपने साथ नए नए सिम्टम्स लाती है। हर एक वीक में आपके बॉडी में चेंजेस हो गए, आपके अंदर बेबी में चेंजेस हो गए, तो आपको भी ऐसा लगता है कि भाई अभी मेरा बच्चा कितना है, बेबी कितना डेवलप हुआ है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है, अंदर की सारी बातें जानने का आपको बहुत ही इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको वीक बाय वीक गाइडेंस देने वाली हूँ, यानी कि पहले वीक में आपका बेबी के साथ क्या हो रहा है और आपकी बॉडी में भी कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं। पहले ट्राइमेस्टर के अपने सिम्टम्स है, यानी कि पहले 3 महीने अलग सिम्टम्स होते हैं, बीच के 3 महीने में अलग सिम्टम्स होते हैं और आखिरी 3 महीने के अलग सिम्टम्स होते हैं। तो ट्राइमेस्टर वाइज मैं आपको गाइड करूँगी, उसकी जो जो कंप्लेन होगी उसको सोल्व करने के लिए मैं मेडिसिन भी सजेस्ट करूँगी और नानीज नोट, यानी कि हमारी दादी नानी जो बातें करती थी, जो वो अपने आप में चैम्पियन थी, यानी कि जो दादी नानी की बातें होती है, तो नानीज नोट आपको मिलेगी यहाँ पर डेली बेसिस पे। और साथ ही आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मानना है कि बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो 80% से भी ज़्यादा डेवलपमेंट आपके वोम्ब में हो जाता है, आपके अंदर हो जाता है। तो हर किसी का ड्रीम होता है कि उसका जो बेबी होता है उसका IQ लेवल अच्छा हो, वो बेस्ट हो, उसको स्टडी में आगे जाके अच्छे मार्क मिले, उसकी जो भी बुद्धि हो वो अच्छी हो। तो उसके लिए IQ बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसको क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, डाइट में कौन कौन सी चीज़ ऐड करने से IQ अच्छा होगा, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए 9 महीने दौरान, ये सारी बातें मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी। और इतना ही नहीं, हर ट्राइमेस्टर के लिए अलग अलग योगा और मेडिटेशन मैं आपको सिखाऊंगी, यानी कि पहले ट्राइमेस्टर के अलग, दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर वाइज मैं आपको योगा और मेडिटेशन भी गाइड करूँगी। और फिर लास्ट मंथ में एक्सरसाइज कौन सी करेंगे जिसकी मदद से आपकी इजी डिलीवरी हो, लेबर पेन बेर कर सके, इतना स्ट्रॉन्ग भी आपको बनाना है, तो ये सब बातें मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। और ये बात हो गई प्रेगनेंसी की, पोस्ट नेटल वीडियोस भी आने वाले हैं, यानी कि डिलीवरी हो गई तो उसके बाद क्या करना है आपको, आपको फीडिंग में क्या क्या करवाना है, फीडिंग की टेक्निक आपको सिखाऊँगी, उसके साथ साथ जो भी कंप्लेन आती है वो सिखाऊँगी, और उस टाइम पे जो डाइट चार्ट फॉलो करना है वो आपको मैं यहाँ पर सिखाऊंगी। और आपके बेबी के साथ, यानी कि 2 साल तक बेबी का जो भी डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है, तो वहाँ पर आपके बेबीज के साथ जो जो होगा, उसके साथ कंप्लेन जो होगी उसका सॉल्यूशन, उसका डाइट चार्ट, तो यानी कि आपका बच्चा जब कंसीव हो और 2 साल की जो सफ़र है आप वो मेरे साथ तय करने वाली हूँ, आपके हर कदम पर मैं आपका साथ देने वाली हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास वाला बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, क्योंकि जब भी नया वीडियो आएगा आपको कैसे पता चलेगा, यदि बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा वीडियो आ चुका है। तो डेली वीडियोस आते रहेंगे, आपको हेल्प करूंगी मैं, और आप भी मुझे अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर भी देते रहिएगा। चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो और कल नया वीडियो आएगा वो भी आप देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।